नमस्कार। दैनिक जागृति यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो के माध्यम से हम किसान भाइयों को एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी देंगे। हमारा विषय है मटर का बीज उत्पादन कैसे करें, वो कौन सी उपयोगी विधि है जिसके द्वारा आप उच्च गुणवत्ता का मटर का बीज तैयार कर सकते हैं और किसान भाई इसको अपना व्यवसाय भी बना सकते हैं, जिसके ऊपर हमें एक अलग से सेपरेट वीडियो बनाएंगे, उसमें आपको उसकी पूर्ण जानकारी देंगे। हम इस वीडियो में जानेंगे मटर का बीज उत्पादन कैसे करें, लेकिन उससे पहले मैं आप सभी से विशेष अनुरोध करना चाहता हूं, यदि आपने हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और बाद में दिखाई देने वाले घंटे के आइकॉन को प्रेस करना मत भूलिए। इससे आपको समय समय पर कृषि से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियां उपलब्ध होती रहेंगी और यदि कृषि से जुड़ी आपको कोई समस्या है तो इन वीडियोज के जरिए आप उनका समाधान निकाल सकते हैं और यदि वीडियो में उपलब्ध जानकारी से आप संतुष्ट हो तो हमारा वीडियो अधिक से अधिक किसान भाइयों तक पहुंचाने के लिए लाइक और शेयर करना आप मत भूलिएगा। यह आप सभी से विशेष प्रार्थना है। तो आइए जानते हैं मटर का बीज उत्पादन कैसे करें। किसान भाइयों, दाल वाली सब्जियों में मटर एक प्रमुख फसल है। दलहनी फसल होने के कारण यह भूमि की उर्वरा शक्ति को भी बढ़ाती है। इसकी हरी फलियों का प्रयोग सब्जी के लिए तथा हरे बीजों का परीक्षण द्वारा डिब्बाबंदी यानी कैनिंग करके बेमौसम में खाने के लिए भी प्रयोग किया जाता है। यह प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन तथा खनिज तत्वों से भरपूर सब्जी है। इसके पौधे का हरे चारे के रूप में भी प्रयोग किया जाता है। भारत में इसकी खेती पूरे उत्तर भारत के मैदानी क्षेत्रों में सर्दी तथा पहाड़ियों में गर्मी में की जाती है। उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, पंजाब, हरियाणा आदि राज्य इसकी खेती के प्रमुख राज्य हैं। किसान बंधु मटर का स्वस्थ बीज तैयार कर सकते हैं व्यावसायिक स्तर पर और सवे की खेती के लिए, जिससे वो उत्तम पैदावार भी प्राप्त कर सकते हैं। उस जानकारी को आप इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे कि आप मटर का बीज उत्पादन कैसे करें। लेकिन यदि आप मटर की उन्नत खेती की जानकारी चाहते हैं, वैज्ञानिक तरीके से कैसे करें अधिक उत्पादन के लिए, तो यहाँ से क्लिक करके उसके बारे में आप पढ़ सकते हैं या फिर हमारे YouTube चैनल पर वीडियो उपलब्ध है, आप उसमें सुन भी सकते हैं। तो ये तो थी किसान भाइयों कुछ विशेषताएं। अब बात करते हैं बीज उत्पादन की प्रक्रिया की। सबसे पहले खेत का चयन। मटर बीज उत्पादन के लिए ऐसे खेत का चयन करें जिसमें पिछले वर्ष में वही किस्म उगाई गई हो जो इस वर्ष ले रहे हों। मटर की दूसरी किस्म को उसी खेत में लगाने से शुद्धता प्रभावित हो सकती है। ऐसी दशा में खेत को बदलना श्रेयकर रहेगा यानी सर्वश्रेष्ठ रहेगा। उसके बाद अब भूमि और उसकी तैयारी आप किस प्रकार करें। इसकी खेती सभी प्रकार की भूमि में की जा सकती है, परंतु अच्छे जल निकास वाली बलुई दोमट या दोमट भूमि जिसका पीएच मान 6.0 से 7.5 के बीच हो उपयुक्त मानी जाती है। यदि नमी की कमी हो तो बोने से पहले पलेवा कर देना चाहिए। भूमि की अच्छी तरह जुताई करके मिट्टी भुरभुरी करके खेत को समतल कर लेना चाहिए। बुआई के समय भूमि में अंकुरण के लिए पर्याप्त नमी का होना आवश्यक है। अब बात आती है किसान भाइयों उन्नत किस्मों की। कृषकों को मटर का बीज उत्पादन के लिए अपने क्षेत्र की प्रचलित और अधिक उत्पादन वाली किस्म के साथ साथ आधार या प्रमाणित बीज का बुआई के लिए उपयोग करना चाहिए। कुछ प्रचलित और अधिक उत्पादन वाली किस्में इस प्रकार हैं: पंत मटर 155, पंत मटर 157, बीएल अगेती मटर 7, विवेक मटर 8, विवेक मटर 9, अर्किल, आजाद मटर 1, काशी नंदनी, काशी उदय, काशी मुक्ति, आजाद मटर 3, काशी शक्ति, बोनवेले, अर्ली वेजर, अर्ली दिसंबर, एसओजी और जवार मटर। ये प्रमुख और प्रचलित किस्में हैं किसान भाइयों। यदि आपके क्षेत्र की कोई अन्य प्रचलित किस्म हो तो आप उसका उसको भी उपयोग में ला सकते हैं बुआई के लिए। और यदि आप इन किस्मों की अधिक जानकारी चाहते हैं मटर की उन्नत खेती के लिए विशेषताएं और पैदावार के साथ, तो आप यहाँ से क्लिक करके उसके बारे में पढ़ सकते हैं या फिर हमारा वीडियो भी आप सुन सकते हैं। अब बात आती है किसान भाइयों पृथक्करण की दूरी सबसे महत्व रखती है बीज उत्पादन में। सब्जी मटर के आधारीय बीज के उत्पादन के लिए एक खेत से दूसरे खेत की दूरी 10 मीटर व प्रमाणित बीज के खेत की 5 मीटर दूरी पर्याप्त रहती है। अब बात आती है किसान भाइयों बुआई का समय।
मटर की बुआई अक्टूबर के प्रथम सप्ताह से शुरू करके नवंबर के अंत तक की जा सकती है, जब रात के समय हल्की ठंड होने लगे और दिन में धूप ऐसा निहलने लगे वह तापमान मटर की बुआई के लिए उपयुक्त है। बीज की मात्रा अगेती किस्मों के लिए 120 से 150 किलोग्राम और मध्यम किस्मों के लिए 80 से 100 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर बीज की आवश्यकता होती है। बीज बुआई की दूरी। मटर बीज की बुआई सीड ड्रिल या फिर देसी हल से पंक्तियों में की जाती है। जल्दी पकने वाली किस्मों के लिए पंक्ति से पंक्ति की दूरी 30 सेंटीमीटर तथा पौधे से पौधे की दूरी 5 से 7 सेंटीमीटर और मध्यम अवधि में पकने वाली किस्मों में पंक्ति से पंक्ति की दूरी 45 सेंटीमीटर एवं बीज से बीज की दूरी 7 से 10 सेंटीमीटर रखनी चाहिए। बीज की बुआई 5 से 7 सेंटीमीटर गहराई पर करें। बुआई के समय खेत में पर्याप्त नमी का होना आवश्यक है। बुआई से पहले बीज को थीरम 3 ग्राम प्रति किलोग्राम या फिर वेनलेट या फिर बावस्टीन 2 ग्राम प्रति किलोग्राम बीज की दर से उपचारित कर लेना चाहिए। मटर बीज की बुआई से पूर्व यदि जीवाणु कल्चर से उपचारित कर लिया जाए तो फसल की बढ़वार तथा उपज पर अनुकूल प्रभाव पड़ता है। इसके लिए 1.5 किलोग्राम राइजोबियम कल्चर को 10% गुड़ के घोल में मिलाकर प्रति हेक्टेयर बीज अच्छी तरह से उपचारित करके छाया में सुखा लेना चाहिए। इसके बाद उसी दिन उसकी बुआई कर देनी चाहिए। अब बात आती है किसान भाइयों पोषक तत्व की यानी खाद और उर्वरक की। मटर के खेत में अंतिम जुताई से पहले 20 टन सड़ी हुई गोबर या फिर कंपोस्ट की खाद खेत में मिला देनी चाहिए। इसकी अच्छी फसल के लिए 50 किलोग्राम नाइट्रोजन 50 किलो फास्फोरस और 70 किलोग्राम पोटास प्रति हेक्टेयर की दर से तत्व के रूप में देना आवश्यक होता है। नाइट्रोजन की आधी मात्रा और फास्फोरस व पोटास की पूरी मात्रा बुआई से पहले मिट्टी में अच्छी तरह से मिला देनी चाहिए। बची हुई नाइट्रोजन की मात्रा बुआई के लगभग 25 से 30 दिन बाद टॉप ड्रेसिंग के रूप में आप दे सकते हैं। उसके बाद है निराई गुड़ाई। मटर का बीज उत्पादन के लिए 1 से 2 निकाई की आवश्यकता होती है। इसके लिए खूप या कुंदाल का उपयोग कर सकते हैं। इसके अलावा रासायनिक खरपतवार नियंत्रक का भी प्रयोग करके इसकी रोकथाम कर सकते हैं। बुआई से 2 से 3 दिन पूर्व 2 से 2.5 लीटर वासलीन प्रति हेक्टेयर की दर से 1000 लीटर पानी में घोल बनाकर छिड़काव करें तथा मिट्टी में उसको मिला दें या फिर बुआई के एक दिन बाद 3 लीटर पेंडीमेथिलीन 1000 लीटर पानी में घोल बनाकर भी आप छिड़काव कर सकते हैं। सिंचाई प्रबंधन। भूमि में कम नमी की दशा में मटर को पानी देने की आवश्यकता पड़ती है। मटर में प्रथम सिंचाई फूल आने पर बुआई के लगभग 30 से 40 दिन बाद, दूसरी सिंचाई फली के विकास के समय बुआई के 50 से 60 दिन बाद आवश्यकता पड़ती है। ये क्रांति की अवस्थाएं हैं। वनस्पति वृद्धि के समय मिट्टी में कम नमी होने से नाइट्रोजन स्थितिकरण करने वाली गांठों का निर्माण कम होता है और फसल की वृद्धि रुक जाती है। मटर में ज्यादा सिंचाई करने से पौधे सूख जाते हैं तथा फलियों की परिपक्वता सामान्य रूप से होती है। अवांछनीय पौधों को निकालना। अवांछनीय पौधों को जिसके लक्षण संबंधित बीज किस्म से न मिलते हों खड़ी फसल के दौरान 2 से 3 बार निकालना आवश्यक है। पहली बार बुआई के 30 से 35 दिन बाद फूल आने के समय तथा दूसरी बार फली भरने से पकने की अवस्था में पौधे को जड़ सहित निकाल देना चाहिए जो कि संबंधित किस्म से न हो, और साथ ही रोगग्रस्त पौधों को भी आप निकाल दें चाहे वो किसी भी किस्म। फसल की कटाई और बीज की तैयारी। जब बीज फसल के 90% फलियां पककर भूरी पड़ गई हों तो फसल की कटाई करनी चाहिए। पौधों को जड़ सहित उखाड़ कर खलिहान में इकट्ठा करके सुखाने के पश्चात गाई व मंडाई की जा सकती है। मटर के बीजों में इस अवस्था में 12 से 14% नमी की मात्रा होती है, इसलिए मटर के बीजों को 8 से 9% बीज नमी तक सुखाकर भंडारित करना चाहिए। सब्जी उत्पादन के लिए बीज की उपलब्धता मात्र की आवश्यकता नहीं होती, अपितु बीज की गुणवत्ता भी वांछनीय होती है। गुणवत्ता वाले बीज है तो बीज को प्रोसेसिंग, परीक्षण, पैकिंग और भंडारण अत्यंत महत्वपूर्ण प्रक्रियाएं हैं। गुणवत्ता युक्त बीजों को से तात्पर्य है कि बीज शुद्ध हो, उच्च अंकुरण क्षमता और ओज वाले हों और बीज जनित रोग व कीटों से मुक्त होने चाहिए। अब बात आती है किसान भाइयों बीज प्रोसेसिंग की। बीज की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए बीज को सुरक्षित नमी के स्तर तक सुखाने और विभिन्न अवांछनीय खरपतवार
के बीज दूसरी फसल के बीज, खराब बीज आदि को अलग करके लगभग एक समान आकार वाले उपचारित बीज प्राप्त करने के लिए बीज प्रोसेसिंग आवश्यक है। विशिष्ट बीज प्रोसेसिंग प्रक्रिया इस प्रकार है। सबसे पहले आपको बीज को सुखाना होगा। बीज में नमी की मात्रा को सुरक्षित स्तर तक लाने के लिए यह आवश्यक है। इस कार्य के लिए विभिन्न प्रकार के ट्राइडर बाजार में उपलब्ध हैं, लेकिन अधिक समय लेने के अतिरिक्त किसानों के लिए अभी से सबसे सस्ता प्राकृतिक और बहुआयात में उपलब्ध प्रभावी ड्राई है, यानी कि आप सूर्य के प्रकाश में उनको सुखाएं तो आपके लिए सबसे बेहतर होगा, आपका खर्च भी नहीं आएगा। ग्रेडिंग और पूर्व सफाई। यह तुड़ाई उपरांत निकाले गए बीज लाट में से बहुत बड़े आकार के अवयों, हल्के वजन के जैसे पदार्थ तथा बहुत छोटे आकार के बीजों को अलग निकालने की प्रक्रिया है। यह हमेशा निष्क्रिय पदार्थों की मात्रा पर निर्भर करती है। ग्रेडिंग, यह बीज लाट में से इच्छित आकार के बीजों को अलग करने की प्रक्रिया। इसके लिए कई उपकरण यथा एयर एंड स्क्रीन क्लीनर, ग्रेविटी सेपरेट और एंडेड सिलेंडर आदि बाजार में उपलब्ध हैं, जो कि आवश्यकता तथा साधनों की उपलब्धता के अनुसार लिए जा सकते हैं। अब बात आती है किसान भाइयों, बीज उपचार जरूरी है। यदि आप बीज का उत्पादन कर रहे हैं तो सफाई व छटाई के बाद बीजों को विभिन्न रोगों व कीटों से सुरक्षित रखने के लिए कैप्टन या बावस्टेन की 2 ग्राम दवा प्रति किलोग्राम बीज की दर से मिलाकर उपचारी करें आप उनको। अब बताते हैं बीज भंडारण की। मटर बीज भंडारण का उद्देश्य तुड़ाई के बाद खेत में लगाने तक बीज को अच्छी भौतिक और कायिक अवस्था में बनाए रखना है। बीज के भंडारण क्षमता प्रभावित करने वाले कारक इस प्रकार हैं: मटर के बीज का प्रकार, बीज की प्रारंभिक गुणवत्ता, नमी की मात्रा और भंडारण के दौरान तापमान तथा अपेक्षित आर्द्रता। बीज भंडारण हेतु ध्यान रखने योग्य बातें किसान भाइयों इस प्रकार हैं: ठंडे और शुष्क स्थान में भंडारण करें। नंबर 2, प्रभावित भंडारण कीट नियंत्रण हो। और नंबर 3, बीज भंडारण गृह की उचित सफाई रखें। नंबर 4, भंडारण से पूर्व बीज को सुरक्षित नमी सीमाओं तक सुखाना। और नंबर 5, भंडारण की अवधि और मौसम की परिस्थितियों के अनुसार भंडारण की परिस्थितियों का नियंत्रण करना। मटर का उच्च गुणवत्ता युक्त बीजों को ही आप भंडारित करें। अब बात आती है किसान भाइयों, जब आप भंडारण कर रहे होते हैं तो उससे पहले भंडार गृह में आप रोगों कीटों आदि से बचाव के उपाय किस प्रकार कर सकते हैं। नंबर 1, नए बीज रखने से पूर्व संपूर्ण प्रोसेसिंग तथा भंडार ढांचों को अच्छी तरह से साफ और कीटनाशक का छिड़काव द्वारा कीड़ा रहित कर लेना चाहिए। उदाहरण के लिए मेलाथियन 50 cc 1 भाग दवा को 25 भाग पानी में 5 लीटर प्रति 100 वर्ग मीटर क्षेत्र की दर से आप करें तो उपयुक्त रहेगा। नंबर 2, बीज में नमी की मात्रा 9% के नीचे तक घटा लेना चाहिए। अधिकतर कीट इतनी कम नमी की अवस्था में प्रजनन नहीं करते हैं। नंबर 3, कीट का प्रकोप होने पर बीज को 3 ग्राम की एल्यूमिनियम फास्फाइड की 2 गोलियां प्रति टन की दर से 3 से 5 दिनों तक रखकर फ्यूमिगेट करना चाहिए। नंबर 4, बीज भंडारण के लिए यथासंभव नए बैग का प्रयोग करना चाहिए, जिससे कि कीट प्रकोपित तथा बीज मिश्रित से बचा जा सके। ध्यान देने वाली बात यह है किसान भाइयों, बाकी जैसे जलवायु, कीटनाशक एवं रोग नियंत्रण व अन्य कृषिगत क्रियाएं सामान्य मटर की खेती की तरह से करने की सिफारिश की जाती है। बीज उत्पादन में भी और कीट एवं रोग की रोकथाम के लिए आप अधिक जानकारी के लिए यहाँ से पढ़ सकते हैं या फिर हमारा वीडियो भी आप सुन सकते हैं। तो किसान भाइयों, सार यही है कि आप यदि मटर का बीज उत्पादन करते हैं तो आप अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं किसी भी कंपनी से अनुबंधन करके, लेकिन उसके लिए आपको स्वस्थ और गुणवत्तापूर्ण बीज तैयार करना होगा। उसके लिए आपको थोड़ा सा जागरूक होना होगा और इन अनुबंधन और आप उसका कैसे विपणन कर सकते हैं उसके लिए हमें एक अलग से सेपरेट वीडियो बनाएंगे जिसमें आपको पूर्ण जानकारी देंगे। तो इस वीडियो में आपने जाना मटर बीज उत्पादन कैसे करें, उसकी आधुनिक यानी वैज्ञानिक तकनीकी क्या है। यदि वीडियो में उपलब्ध जानकारी से आप संतुष्ट हों तो हमारा वीडियो अधिक से अधिक लाइक और शेयर कीजिए, ताकि इस जानकारी से अधिक किसान भाई अवगत हों। और यदि आपने हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और बाद में दिखाई देने वाले घंटे के आइकॉन को प्रेस करना मत भूलिए।
और यदि आपको वीडियो में कोई समस्या आती है तो आप हमारी वेबसाइट पे आके इसके बारे में अच्छे से पढ़ सकते हैं, जिसका लिंक हम वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। तो इस वीडियो में बस इतना ही, अगले वीडियो में एक और नई जानकारी के साथ हम उपस्थित होंगे। तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।